हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HRC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट वर्क परमिट सिस्टम के बारे में। इसमें हम जानने वाले हैं कि वर्क परमिट सिस्टम यानी कि क्या होता है, उसकी डेफिनेशन जानेंगे। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि वर्क परमिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि वर्क परमिट के क्या कंटेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि वर्क परमिट के कितने टाइप्स होते हैं। और फिर उसके बाद हम जानने वाले हैं कि वर्क परमिट की कितनी वैलिडिटी होती है। तो आज ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है मिलने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्क परमिट यानी कि होता क्या है। वर्क परमिट ये एक रिटर्न रिकॉर्ड होता है जो ऑथराइज पर्सन की तरफ से इशू किया जाता है। ये एक ऐसी परमिशन होती है कि इसमें एरिया को डिफाइन किया जाता है और उस एरिया में जो स्पेसिफिक आपको टास्क करना है, उस टास्क को आपको एक स्पेसिफाइड टाइम में पूरा करने की ये एक परमिशन होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्क परमिट यानी कि क्या होता है। मतलब जब तक आपके पास वर्क परमिट नहीं है तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। और ये जो वर्क परमिट है ये आपको ऑथराइज पर्सन की तरफ से ही इशू होता है। और ये किस लिए इशू किया जाता है, ताकि आपको जिस एरिया में आपको काम करना है उसकी ये एक परमिशन होती है। चलिए अब जानते हैं कि वर्क परमिट सिस्टम का जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में। तो इसका वर्क परमिट सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी मेंटेनेंस हो, रिपेयर हो या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो, उसको कंट्रोल करना। और उसके लिए जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो असाइन की जाती है। और यहाँ पर जो है क्लियर कट जो है कम्युनिकेशन होता है सेफ्टी के बारे में, यानी कि जो भी जॉब है उसके सेफ्टी के बारे में। इसमें यानी कि जो भी जॉब रहेगा उसमें क्या हजार्ड इन्वॉल्व रहेंगे, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस रिक्वायर है, ये सारी चीजें जो है उसमें होती है। तो इसकी वजह से जो है यहां पर जो भी एक्टिविटीज है उसको यहां पर कंट्रोल किया जाता है। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। चलिए अब जानते हैं कि जो भी वर्क परमिट है उसमें क्या क्या कंटेंट आते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी काम आपको परफॉर्म करना है तो उसके बारे में जो है हमें डिस्क्रिप्शन जो है लिखना होता है। सेकंड है कि यहाँ पर कौन से लोकेशन में जो है आपका ये काम चलने वाला है, वर्क एरिया क्या है, वो हमें यहाँ पर लिखना होता है। फिर उसके बाद है कि यहाँ पर परमिट रिसीवर कौन है, यानी कि परमिट के लिए जो है यहाँ पर कौन परमिशन मांगता है ये परमिट रिसीव करने के लिए। और दूसरा है कि यहाँ पर कौन परमिट इशू कर रहा है, यानी कि कौन परमिट यहां पर जो है देता है, यानी कि परमिट लेने वाला और परमिट देने वाला जो है ये यहां पर इन दोनों के जो है नाम होते हैं। फिर उसके बाद है कि यहाँ पर जो भी काम है वो परफॉर्म करने के लिए जो भी पर्सन यहाँ पर रहने वाले हैं उनकी भी जो है यहाँ पर लिस्ट अटैच करनी होती है। फिर उसके बाद है कि ये जॉब में जो है जो भी काम चलने वाला है इस पर परमिट के अनुसार, तो उस काम के लिए जो है क्या हजार्ड्स आने वाले हैं, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेना है, ये भी यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है। फिर उसके बाद है कि इस परमिट के साथ में अगर कोई दूसरा परमिट भी अगर उसकी जरूरत है क्या, तो उसको भी जो है यहाँ पर हमें अटैच करना होता है, उसको भी आइडेंटिफाई करना होता है। फिर उसके बाद है कि कौन से ऐसे चेक पॉइंट्स है जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो भी यहाँ पर दिए रहते हैं। साथ ही साथ जो है कुछ रिव्यू पॉइंट्स भी जो है ये वर्क परमिट में होते हैं। फिर उसके बाद है कि इमरजेंसी प्रोसीजर्स क्या है और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स क्या है, वो भी जो है यहाँ पर इस परमिट में होते हैं। और फिर उसके बाद है कि इस वर्क परमिट की जो है टाइम लिमिट क्या है, यानी कि ये जो परमिट है ये 7 दिन का है, 3 दिन का है या फिर 1 दिन का है, तो ये भी जो है इसकी टाइम लिमिट जो है यहाँ पर होती है। तो इस तरीके से जो है ये वर्क परमिट के जो है कंटेंट्स होते हैं, जो आपको पता होना काफी जरूरी है। चलिए अब जानते हैं कि वर्क परमिट के कितने टाइप्स होते हैं। वर्क परमिट जो है उसको 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है और वो डिपेंड होता है कि उसमें नेचर ऑफ हजार्ड्स क्या है। तो सबसे पहला है हॉट वर्क परमिट, दूसरा है कोल्ड वर्क परमिट और तीसरा है हाई रिस्क परमिट। तो हॉट वर्क जो परमिट होता है उसका कलर होता है रेड, और कोल्ड वर्क जो परमिट होता है उसका कलर होता है ब्लू, और हाई रिस्क जो परमिट होता है उसका कलर होता है ऑरेंज। तो आप इजीली इस कलर से पहचान सकते हो कि यह परमिट कौन सा है। तो चलिए अब जानते हैं कि हॉट वर्क परमिट में कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। तो हॉट वर्क परमिट में ऐसी एक्टिविटी इन्वॉल्व है कि जिसमें इग्निशन ऑफ सोर्स हो। एग्जांपल है कि वेल्डिंग एक्टिविटी हो, कटिंग एक्टिविटी हो, ग्राइंडिंग एक्टिविटी हो, एक्सेट्रा। तो ये जो सारी एक्टिविटी है ये हॉट वर्क परमिट के अंडर आती है। मतलब आपको कोई भी वेल्डिंग का काम करना हो तो उसके लिए आपको हॉट वर्क परमिट लेना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। चलिए अब जानते हैं कि कोल्ड वर्क परमिट जो है उसमें कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। कोल्ड वर्क यानी कि ऐसी एक्टिविटी कि जिसमें इग्निशन सोर्स ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर स्कैफोल्डिंग हो, एक्सकैवेशन हो, पेंटिंग हो,
एक्सेट्रा। तो चलिए अब जानते हैं कि हायर एक्सपेरिमेंट में कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। तो उसमें होता है हेवी लिफ्टिंग, क्रिटिकल लिफ्टिंग, वर्किंग ऑन लाई ओवरहेड लाइंस एक्सेट्रा। तो ये जो सारी एक्टिविटी है ये हायर एक्सपेरिमेंट के अंदर आती है। चलिए अब जानते हैं कि वर्क परमिट की वैलिडिटी कितने दिनों की होती है। तो सबसे पहले जानते हैं हॉट वर्क परमिट के बारे में। हॉट वर्क जो परमिट होता है वो वैलिड होता है 24 आवर्स के लिए, लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि इस 24 घंटे में उस एक्टिविटी में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर उसमें कोई भी अगर चेंजेस होते हैं तो ये परमिट वैलिड नहीं रहेगा। फिर उसके बाद है कोल्ड वर्क परमिट। तो कोल्ड वर्क परमिट की जो वैलिडिटी होती है वो 3 से 7 दिनों की होती है, और इसमें भी वही कंडीशन है कि वो जो टाइम पीरियड है वैलिडिटी का, यानी कि 3 से 7 दिनों का, उसके बीच में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर उसमें कोई चेंजेस होते हैं तो ये परमिट वैलिड नहीं रहेगा। फिर उसके बाद है हायरिक्स परमिट। हायरिक्स जो परमिट होता है वो वैलिड होता है ओनली सिंगल वर्क के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर टास्क के लिए ये हायरिक्स परमिट इशू किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये लिफ्टिंग एक्टिविटी के लिए इशू किया गया है तो वही एक्टिविटी उस परमिट पे की जाएगी, और उसके बाद वो लिफ्टिंग खत्म होने के बाद अगर आपको दूसरी लिफ्टिंग करनी है तो उसके लिए आपको दूसरा परमिट इशू करना होगा। तो दोस्तों, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कंपनी में काम करने के लिए जाते हो तो वहां पर डिफरेंट टाइप्स के परमिट हो सकते हैं। यानी कि किसी कंपनी में 2 टाइप के ही परमिट वहां पर हो सकते हैं, किसी कंपनी में 3 टाइप के ही परमिट हो सकते हैं, किसी कंपनी में जो है 5 टाइप के परमिट भी आते हैं, और किसी कंपनी में जो है वो 7 टाइप के परमिट भी आते हैं। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर हम जो है वर्क परमिट के 7 मेन टाइप्स के बारे में जानने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला है हॉट वर्क परमिट, दूसरा है कोल्ड वर्क परमिट, तीसरा है हाइट वर्क परमिट, चौथा है कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट, पांचवा है एक्सकैवेशन परमिट, छठवा है इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन परमिट जिसे इलेक्ट्रिकल परमिट भी कहा जाता है, और सातवा है केमिकल वर्क परमिट। तो इस तरीके से ये 7 मेन टाइप्स होते हैं वर्क परमिट के। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि हर एक जो वर्क परमिट है जो हमने यहाँ पर देखा है इसको कैटेगराइज किया गया है, और ये डिपेंड होता है कि वहां पर नेचर ऑफ जॉब क्या है, वहां पर कौन से हजार जो है वो वहां पर इन्वॉल्व है। तो इसके बेसिस के ऊपर ही इसको कैटेगराइज किया गया है। अब चलिए अब जानते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। तो सबसे पहले जानते हैं हॉट वर्क परमिट के बारे में। तो हॉट वर्क परमिट इसलिए इशू किया जाता है ताकि जो भी टास्क परफॉर्म करना है तो उस टास्क में अगर स्पार्क प्रोड्यूस होता हो, फ्लेम प्रोड्यूस होती हो, या फिर अदर कोई भी सोर्स ऑफ इग्निशन का वहां पर इस्तेमाल किया जाता हो, तो उस काम को करने के लिए, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए यह ऑथराइजेशन जो है वो इशू किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि वेल्डिंग एक्टिविटी हो, सोल्डरिंग हो, फ्लेमेबल गैसेस हो, या फिर अदर कोई भी हीट इंड्यूसिंग ऑपरेशन हो, तो इस काम के लिए जो है हॉट वर्क परमिट जो है वो इश्यू किया जाता है। फिर उसके बाद है कोल्ड वर्क परमिट। तो कोल्ड वर्क परमिट इसलिए इशू किया जाता है ताकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अगर आपको मशीनरी को ऑपरेट करना हो या फिर अदर कोई भी फंक्शंस करना हो, काम करना हो, लेकिन वहां पर जो है किसी भी तरीके का हीट जो है वहां पर जनरेट नहीं होता है, तो उस टाइप के काम के लिए जो है कोल्ड वर्क परमिट जो है ऑथराइजेशन दिया जाता है। एग्जाम्पल है कि जैसे कि मैकेनिकली इंड्यूस करते हैं बेंडिंग का काम, शेयरिंग का काम, स्क्वीजिंग का काम, या फिर ड्राइविंग का काम, तो ये जो सारी एक्टिविटी है इसके लिए आपको कोल्ड वर्क परमिट जो है वो इश्यू किया जाता है। फिर उसके बाद है हाइट वर्क परमिट। तो हाइट वर्क परमिट जो है वो इसलिए इशू किया जाता है ताकि जब भी आपको ग्राउंड लेवल से 2 मीटर अबव में अगर काम करना है, यानी कि एलिवेटेड स्पेसेस में अगर आपको काम करना है, वो चाहे आप लैडर के ऊपर काम करो, स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम करो, या फिर मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करो, या फिर कोई भी स्पेसेस में काम करो जो ग्राउंड से 2 मीटर से अबव में होता हो, तो उसके लिए जो है आपको हाइट वर्क परमिट जो है वो इशू किया जाता है। फिर उसके बाद है कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट। तो अगर आपको नैरो स्पेस के अंदर अगर आपको किसी भी टास्क को परफॉर्म करना है और वहां पर उस नैरो स्पेस में जो है एस्फिक्सिएशन, यानी कि आपको सांस लेने में तकलीफ वहां पर हो रही है, या फिर वहां पर टॉक्सिक एटमोस्फेयर है, या फिर वहां पर ऐसा कोई सब्सटेंस है कि जिसकी एबिलिटी है कि वो आपको निकल जा सकता है, तो ऐसे हजार अगर उस नैरो स्पेस में टास्क करते वक्त अगर अवेलेबल हो सकते हैं, वहां पर हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में जो है आपको कन्फाइंड स्पेस का वर्क परमिट जो है वो
वो इश्यू किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि अगर आपको वेंट्स में काम करना हो, शाफ्ट्स में काम करना हो, सीवेजेस में काम करना हो, टैंक्स में काम करना हो, तो इसमें अगर आपको काम करना हो तो उसके लिए कन्फाइन स्पेस जो वर्क परमिट है वो आपको इश्यू किया जाता है। फिर उसके बाद है एक्सकैवेशन परमिट। तो ये जो है ये आपको जमीन को खोदने के लिए या फिर माइनिंग के लिए पर्संस लोगों के लिए काम करने का यहाँ पर परमिशन दिया जाता है। वो चाहे आप जो है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिल्ड करने के लिए वो खुदाई कर रहे हो या फिर जो भी रिसोर्सेस है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो खुदाई कर रहे हो, और वो खुदाई करते वक्त जो है वहां पर अगर रिस्क इन्वॉल्व है जैसे कि एक्सकैवेशन की वजह से वहां पर फॉलिंग हजार्ड हो सकता है या फिर वहां पर कोई भी पर्सन जो है वो ट्रैप हो सकता है, एक्सप्लोजन भी हो सकता है या फिर वहां पर एयरबोन जो है वो कंटामिनेंट्स भी हो सकते हैं, तो ये सारी रिस्क जो है वो उसमें इन्वॉल्व होती है। तो इसलिए जमीन में आदमी के द्वारा माइनिंग करने के लिए या फिर डिगिंग करने के लिए जो है एक्सकैवेशन परमिट जो है वो इश्यू किया जाता है। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रिकल परमिट, जिसे इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन परमिट भी कहा जाता है, और ये जो परमिट है ये हाई वोल्टेज जोन के ऊपर काम करने के लिए एक ऑथराइजेशन होता है, यानी कि वहां पर अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर फैल जाती है तो वो अनकंट्रोल हो जाती है, तो ऐसे हाई वोल्टेज जोन में काम करने के लिए ये एक ऑथराइजेशन होता है, परमिशन होती है। तो कॉमन जो भी इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन वर्क है उसको मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए लॉग आउट टैग आउट जो सिस्टम है उसको फॉलो किया जाता है, और साथ ही में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के द्वारा वहां पर साइट मेंटेनेंस भी होना चाहिए। और फिर उसके बाद है केमिकल वर्क परमिट। तो जब भी आपको हार्मफुल जो भी केमिकल सब्सटेंसेस है उसके साथ में अगर काम करना है तो उसके लिए जो है आपको केमिकल वर्क परमिट जो है वो इश्यू किया जाता है, या फिर केमिकली इंड्यूस जो भी एटमॉस्फेयर है वो चाहे टॉक्सिक एटमॉस्फेयर हो या फिर कोरोसिव एटमॉस्फेयर हो वो भी बाय नेचर, तो उस कंडीशन में भी आपको केमिकल वर्क परमिट जो है वो इश्यू किया जाता है। ज्यादातर जो केमिकल इंजीनियर्स है उनको केमिकल लैब में या फिर केमिकल प्लांट में जो है काम करना होता है, यानी कि उनको जो है हार्मफुल जो भी केमिकल सब्सटेंसेस है उसके साथ में काम करना होता है, तो उस कंडीशन में जो है उनको केमिकल वर्क परमिट जो है वो इश्यू किया जाता है काम करने के लिए। अब ये जो हमने यहाँ पर 7 टाइप्स ऑफ परमिट देखे हैं, तो इसके अलावा भी जो है कई सारे और भी जो है परमिट हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि जनरल वर्क परमिट, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए जो है ये परमिट इश्यू किया जाता है। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि अगर हाउसकीपिंग का अगर काम किए करना हो तो उसके लिए जो है किसी कंपनी में जो है यहाँ पर जनरल वर्क परमिट जो है वो भी इशू करते हैं। फिर उसके बाद है लिफ्टिंग परमिट। अब यहाँ पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाओगे तो वहां पर जो है सेपरेट लिफ्टिंग एक्टिविटी के लिए जो है लिफ्टिंग का जो है परमिट वहां पर इशू किया जाता है, तो ये भी जो है यहाँ पर आपको जो है ये परमिट देखने को मिलता है। फिर उसके बाद है EOLB, यानी कि इक्विपमेंट ओपनिंग लाइन ब्रेक परमिट। अब ये जो परमिट है ये ज्यादातर ऑयल एंड गैस कंपनी में जो है आपको देखने को मिलता है। अब ये जो परमिट है ये ऑयल एंड गैस में तब इशू किया जाता है जब किसी चालू लाइन को जो है ब्रेक करना हो या फिर उसको ओपन करना हो, तो उस वक्त जो है ये परमिट जो है इशू किया जाता है। यानी कि इसके पहले जो हमने 7 वर्क परमिट देखे हैं, तो इसके अलावा भी जो है ये 3 जो परमिट जो हमने यहाँ पर देखे हैं ये भी जो है आपको ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा ऑल अबाउट वर्क परमिट सिस्टम के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।